सर हमेशा से, बल्कि शायद मैं तो अपने बचपन से ही सुनती आ रही हूँ, कुछ भी पाकिस्तान में होता है तो हम पहला नाम भारत का लेते हैं, यदि भारत की तरफ से हो रहा है। आज भी राणा सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है भारत के बारे में, उन्होंने कहा जी मेरे पास एविडेंस है, मैं लेकर जाऊंगा यूनाइटेड नेशन में, सारी कुछ बात की है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? आरजू देखें, एक तो रिलेशनशिप जो भारत और पाकिस्तान के शुरू से इसी तरह के रिलेशनशिप है, इंटरवेंस तो होती है, दोनों तरफ से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे शायद उनके पास शोहद भी मौजूद हो, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। इस वक्त टाइमिंग सनाउल्ला साहब की ऐसी है कि वो इस वक्त कोई ऐसी चीज चाहते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत कोई ऐसी चीज चाहती है जिससे लोगों की तवज्जो इकॉनमी से हट सके। और इमरान खान साहब के ये जो सियासी इंतजार है, यहां से तवज्जो हटाई जा सके। ये जिसका आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वाकया काफी पुराना है, इसकी इन्वेस्टिगेशन सामने आ चुकी है। बल्कि इसमें मैं एक सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, इसमें एक ऐसा इसके अंदर एक किरदार था जो जो 2 हफ्ते पहले माइंड चेंज करके जाके उसने पुलिस को और सारे सब लोगों को 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि ये इस तरह का धमाका होने वाला है। और उसके बाद पुलिस ने और एजेंसियों ने कुछ नहीं किया था, गलती इनकी अपनी थी, उसमें अपनी। अब उस वो जो एक एक्ट एक, एक, जो वो किरदार है उसका नाम ये नहीं लेते, क्योंकि अगर वो लें उसका नाम तो फिर उस पे इनके ऊपर अपनी अपनी इनकी गलतियां जो है, कोताहियां सामने आ जाती। लेकिन देखें, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंटरफेरेंस जो है आप करते हैं, वो भी उनकी भी भारत की भी इंटरफेरेंस मौजूद है, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे दूसरे सूबों के अंदर हो, आपकी कश्मीर और पंजाब में। और ये रेसिप्रोकल चीजें हैं, ये होती रहती हैं। इसमें कुराना सनाउल्ला साहब ने कोई नया नया सांप पटारी से नहीं निकाला, दिस इज ऑलरेडी देयर। तो उसमें मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इनको कोई ऐसी चीज चाहिए थी कि लोगों की तवज्जो हट सके, कोई नया उनको बताएं, शोशा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त आरजू, वो अकानमी का है। और वो अकानमी जो है वो लोग उसको अटैच करते हैं पोलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। पोलिटिकल जो कंट्रीब्यूशन है वो खास साहब की सिर्फ यही है कि इन्होंने सड़कें बंद की, इन्होंने जलसों पर पैसे लगाए, ये और दूसरा ये है कि बार बार इन्होंने जो जब भी ये सड़कों को ब्लॉक करते हैं, शहरों को ब्लॉक करते हैं, ऑफ कोर्स उससे इकॉनमी जो है वो रुकती है, लोगों के कारोबार खराब होते हैं। लेकिन इस डिक्लाइन में जो जा रहे हैं, आप एक दिन में नहीं पहुंच के, आपने 75 साल का सफर किया है, आपने 75 साल की कोशिशें की हैं कि हम किस तरह तबाह होंगे, तो वो अल्टीमेटली आज उसका रिजल्ट निकल रहा है, सामने आ रहा है। डार साहब मुख्तलिफ किस्म के मफरूजे जो है वो बता रहे हैं। जब आप अफगानिस्तान, हर एक बंदे को पता है कि डॉलर अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो आपके पास उन डॉलरों को रोकने का कोई फार्मूला ही मौजूद नहीं है। डार साहब का जब लैंड किया था तो लगता था कि दावे बड़े बुलंदो भाला दावे करते थे कि मैं अकानकी डॉलर को मैं इस तरह कर लूंगा, मैं डॉलर उस तरह करूं। लेकिन देखें, जब तक आप अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक आप एक यूनाइटेड एफर्ट नहीं करेंगे, मैंने कल परसों भी शायद अर्ज किया था कि मैसाके जमहूरियत कर लेते हैं, लेकिन आज आपको मैसाके इकॉनमी की जरूरत है। लेकिन ये कि वो आप तभी हो सकता है जब आप एग्री करें। एक पार्टी चाहती है कि आपको ना IMF पैसे दे, ना कोई दूसरा पैसे दे, और आप बिल्कुल धड़ाम करके नीचे गिरे, आप डिफॉल्ट हो, और फिर ये आए और फिर ये अपने जो है वो डॉलर लोगों से मांगे बाहर से, और फिर दुबई की शॉपिंग करें, लंदन जाए। एक पार्टी ये चाहती है, दूसरी पार्टी चाहती है कि चले अब हम आए हैं, क्योंकि इनका उनका एक पॉलिटिकल उनका ऑलमोस्ट जनाजा निकल चुका है इस वक्त। नून लीग वाले बेचारे हमेशा डिफेंसिव होते हैं। आज सलमान शरीफ साहब भी आए हैं और उन्होंने भी वही पुरानी बातों की जाके कोर्ट के सामने खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई नई बात उन्होंने नहीं की। खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कोई नई बात नहीं की उन्होंने। इस वक्त परवेज लाई साहब डर रहे हैं कि अगर इन्होंने पंजाब असेंबली पहले तोड़ दी तो हो सकता है KP की असेंबली ये तोड़े ही ना, और उन्हें ये पता है कि अगले दोबारा चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट PTI के वो नहीं होंगे। तो इस वक्त आपके सरकमस्टांसेस आर वेरी टफ टफ, लेकिन इकॉनमी इज द नंबर 1 इशू।
लेकिन सर अभी इस वक्त जब भारत के साथ इन्हें टर्म्स बेहतर करने चाहिए, उस वक्त इस किस्म के एलिगेशंस लगाना जिसके कह रहे एविडेंस, लेकिन अगर इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड ना किया तो टर्म्स और खराब हो सकते हैं। इस वक्त सारी दुनिया तो भारत से दोस्ती कर रही है और हमारे यहाँ से एक नया चक्कर चला रहे हैं कि फिर दोबारा से किसी किस्म की स्टेटमेंट दोनों तरफ से शुरू हो जाए। मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा आपसे। इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर सर्वाइवल सिर्फ इन चीजों के साथ है कि ना सिर्फ भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाएं, बल्कि अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक किए जाएं, सारी दुनिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। अमेरिका के खिलाफ जो बयानात आप देते रहे हैं, साइफर का जो लिफाफा लहराते रहे हैं, जो वो डैमेज किया है उसको भी ठीक करना चाहिए। सीपैक या तो शुरू ही ना करते, अब शुरू हो चुका है तो उसको भी तकमील तक पहुंचाएं। ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, चाहे जैसे भी करें, वरना उसके बगैर गुजारा नहीं है। बल्कि भारत के साथ आपको चाहिए था कि बहुत अरसा पहले अपने रिलेशनशिप ठीक कर लेते, लेकिन इस वक्त आपकी आपके सर्वाइवल की जरूरत है कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं, बांग्लादेश मॉडल फॉलो करें कि जिस तरीके से उन्होंने 51% खवातीन जो घरों में बैठी हैं उनको वर्कफोर्स में वो लेकर आए थे, और मॉडल उनका स्टडी करें किस तरह उन्होंने काटन में एशिया के अंदर अपनी मोनोपोली बनाई है। आपको चाहिए कि ड्रास्टिक स्टेप्स लें, लेकिन उसके लिए आरजू एक चीज की जरूरत होती है जिसको कहा जाता है नेशनलिज्म। इस वक्त आपकी जो तीनों कॉरपोरेशंस जो हैं, ये पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके अंदर वो मौजूद नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत उसका कोई अगर चीज मौजूद है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे आज भी अगर कोई उम्मीद है तो आसिम मुनीर साहब पे उम्मीद है, वरना कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन, किसी दूसरे फर्द वाहद पे मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वो पाकिस्तान का कोई हल निकाल सके या ठीक कर सके। लेकिन सर जब भी किसी से बात की जाती है पाकिस्तान में, किसी मिनिस्टर से पूछें या किसी पॉलिटिशियन से पूछें, तो वो यही कहते हैं कि जी क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है तो इस वजह से पूरी दुनिया में ही जो है वो प्रॉब्लम है और महंगाई है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। ये बात कह के अपना जैसे कहते हैं पीछा छुड़ा लेते हैं। आप इस बात से कहां तक एग्री करते हैं कि उससे वैसे फर्क तो पड़ा है पूरी दुनिया में? इसमें इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही है। दुनिया के अंदर यूक्रेन की वजह से एनर्जी क्राइसिस आए, कोविड की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुआ और वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो सका। लेकिन जब आप ये बताएं कि जो पहले ही सड़क पर बैठे थे बगैर कपड़ों के, उनकी हालत क्या होगी? आपके तो हालात पहले ही खराब थे, आपके तो पहले ही रूलिंग एलीट जो है वो आपको इस तरह आपका खून चूस रहे हैं जिस तरह जोंके चूस रही होती है, तो वो आपके हालात तो पहले ही खराब थे। आप तो पहले ही मांगे तांगे पे चल रहे थे ना। 70 आपका इस वक्त 70 बिलियन आपने कर्जा देना है, वो एक दिन में तो नहीं हो गया ना, उसमें तो टाइम लगा है। और 75 साल से आपने ये कर रहे हैं ना। मैं आपसे मेरा क्वेश्चन मार्क है 25 करोड़ लोगों से जो आप रहते हैं वहां पे, क्या आपने पाकिस्तान बनाया भी है? क्या वाकई आपने जो लैंड ऑफ द प्योर्स का एक जो ख्वाब दिखाया था, जो वादा किया था आपने लोगों से, वो पूरा किया? आप जरा आंखें बंद करके दिल से सोचें कि आप वाकई पाकिस्तान में बैठे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? खातून अंधेरा पड़ने के अंधेरे के बाद खवातीन निकल सकती है बाहर? क्या खातून किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर कंप्लेन करा सकती है? मेरे ख्याल में तो नहीं। दोस्तों पाकिस्तान ने 2021 में लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद के घर हुए बम धमाके का आरोप भारत पर लगाया है। पाकिस्तानी गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने इस्लामाबाद में दावा किया है कि पाकिस्तान में होने वाली हर आतंकवादी घटना में भारत किसी ना किसी तरह शामिल है। अब आगे जाने से पहले कुछ बातें करते हैं दोस्तों जो ये गृह मंत्री है ना पाकिस्तान के, कोई इनसे जाकर ये पूछो कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश क्यों कहा जाता है? भारत को तो ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। आतंकवाद के बारे में हर कोई अच्छे से जानता है, वहां पनपने वाले आतंकवादी पाकिस्तान की मिट्टी में से ही पनपते हैं। और रही बात हमले की, भारत चोरी छिपे कुछ काम नहीं करता है, और मारे हुए पाकिस्तान को आखिर भारत मारकर करेगा भी क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि एक साल बाद इन्हें कौन सी खुजली हुई जो अब जाकर ये ऐसे बयान दे रहे हैं। अब एक बार पता है दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो पाकिस्तान से यही बयान आता है कि हमारे खिलाफ साजिश की गई है। हर बार यही बयान देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज की ओर। इंस्पेक्टर जनरल इमरान महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनाउल्ला ने कहा कि हमने दुनिया के सामने अपना रुख लाने और भारत के आतंकवाद के जयरे का खुलासा करने का फैसला किया है। दोस्तों ये खुलासा करेंगे, वो भी किसका? भारत का।
और भी मस्त जोक है, आगे सुनते हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद की आग में जल रहा है, हमारी मस्जिदों, इमाम बरगाहों, महत्वपूर्ण इमारतों और सभाओं को निशाना बनाया गया है। इस ब्रीफिंग में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इमरान महमूद ने कहा कि ये घटना 23 जून 2021 को सुबह 11:09 लाहौर के जोहर टाउन में हुई। विस्फोट में करीब 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इसे एक कार में रखा गया था। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की, तो भारत पे करते चले, ये मैं कह रही हूँ। चूंकि ये एक रिहायशी इलाका था, कारों और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया था। जैसे ही ये विस्फोट हुआ, आतंकरोधी सेल ने पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की और 16 घंटे के भीतर विभाग ने मामले को ट्रेस कर लिया। महमूद ने कहा कि शुरुआती 24 घंटे में सीडीडी ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। खैर, इन पाकिस्तानियों का पता नहीं चलता ये कब क्या बयान दे दे, क्योंकि इनके जवान पे क्या, जब इनके मन में जोच जाती है वो ये चीज बोल देते हैं, सोच समझ कर नहीं, जो मुंह पे आता है। फिलहाल आप क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे साथ आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए